बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में हल्की या भारी बारिश हो रही है। बुधवार सुबह पटना, कटिहार, जमुई और बक्सर में बारिश हुई। छपरा, शेखपुरा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वेस्ट चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश और मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। पटना में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। बता दें आपको कि कटिहार में सुबह सुबह बारिश हुई है। बगहा में आसमान में बादल छाए हुए हैं। झारखंड में लगातार बारिश से नालंदा में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बक्सर में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। जमुई में देर रात से बारिश का दौर जारी है। समस्तीपुर में बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ जैसी स्थिति हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र अब पश्चिम, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के पास है। अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही द्रोणी रेखा पश्चिम बंगाल से पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर समुद्र तल से औसत 1 किलोमीटर ऊपर तक गुजर रही है। इन मौसमी घटकों के संयुक्त प्रभाव से अगले 24 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार चिनारी रोहतास में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भभुआ में 62.8, मधेपुरा में 62.4, औरंगाबाद में 7, औरंगाबाद में 52.6, नवीनगर औरंगाबाद में 52.6, भागलपुर में 48, वही सुल्तानगंज की बात करें तो 45.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं झारखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते नालंदा के मध्य भाग में बहने वाली पचौनी नदी में पहली बार पानी आया है। इससे पश्चिमी इलाकों में बहने वाली लोककाइन नदी में भी पानी आ गया है। नदियों में पानी देख जहां आम लोग खुश है, वहीं किसानों का खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब फसल पटवन को लेकर बोरिंग का सहारा किसानों को नहीं लेना पड़ेगा। पटना में बुधवार सुबह बारिश हुई। दिन भर बादलों का आवाजाही लगा रहेगा। रुक रुक कर बारिश होने की भी संभावना है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:43 पर और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। आज 10 से 17 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में देर से ही सही लेकिन अब बारिश हो रही है। इसके कारण से धान की फसल को संजीवनी दे दी है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। बारिश नहीं होने से मर रही धान की फसल में बारिश के कारण फिर से हरियाली छा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।